हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। दोस्तों, आपकी एसएससी एमटीएस 2019 की आंसर की रिलीज हो गई है। आपको कैसे चेक करना है, चलिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर। लेकिन इससे पहले डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको कर लें अभी सब्सक्राइब, एंड वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, इसको कर दें प्रेस ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं ऑफिशियल साइट पर। और हाँ जी फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपके सभी मित्रों को ऐसा भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत समय से लोग वेट कर रहे हैं। तो जैसे डियर फ्रेंड्स, आप ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज के जस्ट नीचे दिख रहा होगा सितंबर 6, 2019 न्यू। यहाँ पर दिया है दोस्तों, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की फॉर इन्वाइटिंग चैलेंजेस एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन 2019। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष कुछ ऐसा नोटिस जारी हो जाएगा। इसमें क्या बोला है दोस्तों, आपको ये देखना है। डेफिनेट जैसे ही आप इसमें नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बोला है कि आपके जो एग्ज़ाम है 2/8/2019 से 22/8/2019 तक चले थे, मतलब कि इतनी डेट में आपके एग्ज़ाम कम्प्लीट हो गए थे किसके, एमटीएस टायर बन के। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप थोड़े और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो आंसर की है आप उसको कितनी डेट से कब तक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप 6/9/2019 से 11/9/2019 6 PM तक आप इन सबको चेक कर सकते हैं। और यदि आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, मतलब कि आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है और एसएससी एमटीएस की तरफ से आपका क्वेश्चन गलत शो कर रहा है, जी दोस्तों, तो आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। इसके लिए आपको देना होगा एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये या 100 रुपये। और यदि आप 5 क्वेश्चन पर चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको देना होगा 500 या 500 रुपये। अब दोस्तों, आप आपकी ऑफिशियल साइट पर कैसे चेक करेंगे आपके आंसर की, इसके लिए आपको आना होगा थोड़ा नीचे। डेफिनेट जैसे ही आप थोड़े नीचे आएंगे तो वहाँ पर दिया है लिंक फॉर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट्स टेंटेटिव आंसर की एंड सबमिशन फॉर चैलेंजेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप करेंगे इस पर क्लिक। देखिए, जैसे कि मैंने कर दिया है, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, आप देखते हैं कैसा क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो बोल रहा है जी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे नो चैलेंज सिस्टम इज एक्टिव। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बिजी आ रहा है तो आपको चलना है एक और जगह से, आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, अब हमको जाना होगा थोड़े पीछे, मतलब कि बैक इसकी ऑप्शनल साइट पर। तो आपको यहाँ पर सेक्शन दिख रहा होगा आंसर की वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आपके समक्ष क्या शो हो जाएगा, आपने जब एग्जाम दिया था। चलिए फ्रेंड्स, वो छोड़िए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गई आपकी अपलोडिंग ऑफ कैंडिडेट आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से ओपन करने के लिए आपको इसके नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है ताकि वो ओपन हो। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, वहीं से आप इसको कर सकते हैं चेक। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़े नीचे आने पर देखिएगा क्या, इसकी ऑप्शनल साइट पे जाने के लिए आपको नोटिफिकेशन कैसे चेक करना है वो दिख जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एरर 404 आ रहा है, हमने यहाँ से भी ट्राई करके देख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर बाद ट्राई करना है, जैसे जी ओपन होने लगेगा आप चेक कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा है ऑप्शन साइट पर आपका नोटिस आ गया, हर एक चीज आ गई, सिर्फ सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए यहाँ पर चेक नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको करना होगा वेट, ताकि थोड़े समय बाद आप कैसे चेक करें वो सब देख सकते हैं। फिलहाल के लिए डियर फ्रेंड्स, यदि आप आंसर की देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की देख लीजिए, यहाँ पर इन लोगों ने कैसे चेक की थी वो बता देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका PDF ओपन हो जाएगा, और जैसे आप इसमें थोड़े नीचे आएंगे तो आपको दिखेगी क्या लिंक, यहाँ पर फाइनल आंसर की CGLE टायर 1 2018 क्लिक हियर। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही आपका चेक होगा, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर लॉगिन करेंगे तो कैंडिडेट लॉगिन आएगा, और यहाँ पर यूजर ID एज पर एडमिशन सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर यूजर ID जो कुछ है आपकी, जो कि आपके एडमिट कार्ड में दी होगी, तो आपको यहाँ पर फिल करना है XYZ जो भी हो। एंड डियर फ्रेंड्स, जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या पासवर्ड, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ के रूम में रहता है, आपको वो टाइप करना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड होता है।
और दोस्तों थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन का निशान दिख रहा होगा, इसको क्लिक करना है। तो डेफेंस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर इनवैलिड इन्फॉर्मेशन मैंने डाली ही, इसलिए बोल रहा है इनकरेक्ट कैंड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। तो डेफेंस आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन सही फिल करना है जो है, और लॉगिन पर क्लिक करना है, सामने आ जाएगी। तो ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।